फ्रेंड्स, वेलकम टू शक्तिज किचन। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ क्रंची केक पॉप्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट और अंदर से बहुत ही क्रंची होगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमें चाहिए चॉकलेट स्पंज क्रम्बल किया हुआ 1 कप, मेल्टेड चॉकलेट 3/4 कप, डार्क चॉकलेट चिप्स 1/4 कप, ओरियो बिस्किट्स 3/4 पीसेस, और हमें चाहिए कुछ स्प्रिंकल्स। यहाँ आप अपने मन चाहे स्प्रिंकल्स ले सकते हैं। और हमें चाहिए इस तरह के कुछ स्टिक्स और एक जिपर। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह के एक जिपर में ओरियो बिस्किट्स और चॉकलेट चिप्स को डाल देंगे। अब हम इसे लॉक करके इसे क्रश करेंगे। क्रश करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बेलन का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ध्यान रहे, हमें ये बिल्कुल क्रश नहीं करना है, हमें ये कोर्सली क्रश करना है ताकि ये दानेदार रहे और हम जब केक पॉप्स के बाइट लें तो ये हमारे मुंह में आए। तो मैंने इस मिक्सचर को क्रश करके तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे क्रम्बल किए हुए केक में मेल्टेड चॉकलेट को मिक्स किया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी क्रश की हुई बिस्किट्स और चॉकलेट चिप्स। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे बिस्किट के मिक्सचर को इसमें डाल दिया है और अब हम इसे हाथों से अच्छे तरह मिक्स करेंगे और एक स्मूथ डो बनाएंगे। इसे हमें अच्छे से प्रेस करना है और डो में कन्वर्ट करना है। देखिए दोस्तों, ये डो बनना शुरू हो गया है। अब हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। तो लीजिए, हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें इसके छोटे छोटे टुकड़े लेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून के लगभग इसका मिक्सचर लिया है और इसके केक पॉप बनाना शुरू किया है। आप इस मिक्सचर की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे इस तरीके से हम राउंड शेप देंगे और इसी प्रकार हम बाकी के सारे केक पॉप्स भी तैयार कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, सारे केक पॉप्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें इस तरीके से एक एक स्टिक को हम मेल्टेड चॉकलेट में इस तरीके से डिप करेंगे और उसे केक पॉप के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। हमें इस तरीके से डालना है ताकि हमारा केक पॉप टूटने ना पाए। ये देखिए, मैंने बहुत ही सावधानी से इसके अंदर इसको स्टिक कर दिया है।
इसी तरीके से हम सारे स्टिक्स को इनके अंदर डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्टिक्स डाल दी हैं। तो चलिए अब इन्हें हम करते हैं असेंबल। अब हम इस तरीके से एक एक केक पॉप उठाएंगे और उसे मेल्टेड चॉकलेट में इस तरीके से डिप करेंगे। दोस्तों हमें यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मेल्टेड चॉकलेट है उसको अच्छे से हमें ड्रिप कर लेना है ताकि वो हमारे सरफेस पे ड्रिप ना हो, और उसे फिर अपने मन चाहे स्प्रिंकल से कोट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक केक पॉप बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे इस तरीके से एक शीट में स्टिक कर देंगे। इसी प्रकार से हम बाकी के केक पॉप्स भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और दोस्तों इनको बनाकर हमें लगभग 15 मिनट तक इसे फ्रिज में रखना है। फ्रिज में 15 मिनट रखने के बाद आप इसे बिल्कुल चिल सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, केक पॉप्स बनकर तैयार हैं, जो कि ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट और अंदर से बहुत ही क्रंची होंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।